हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं ना। तो जैसे कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ हम लोग दोस्तों टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने बात दोस्तों आपको बताया है कि जैसे कि हम जब भारत की नदियों को पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में मैं लगातार बताते आ रहा हूँ कि जो भारत की नदियाँ हैं उसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। या अगर हम बात करें तो भारत की नदियाँ, तो हम लोग क्या करते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, नदियों की उत्पत्ति के आधार पर उनको क्या करते हैं हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है, तो पहला दोस्तों होता है हिमालय की नदियाँ। ठीक है, हिमालय की नदियाँ यानी जिनकी उत्पत्ति हिमालय से हो रही है उनको हम लोग बोलते हैं हिमालय की नदियाँ। ठीक है, सेकंड जो है वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार से हो रही है उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। तो यानी हम लोग उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। मैं पिछली क्लासेस से लगातार ये सारी चीज़ें बताती आ रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जैसे हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम लोग तीन बड़े नदी तंत्र पढ़ते हैं, एक तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सारी चीज़ें और पिछले क्लासेस में ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है यानी कल हमने दोस्तों क्या है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको हमने शुरू किया था। और फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनको भी अगेन हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम इनको एक तो बांट सकते हैं कि दोस्तों इनको किस डायरेक्शन में बह रही, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ये मैंने आपको बताया डिवीजन। ठीक है, बहने वाली नदियां, ठीक है, यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको अगेन हम लोग दो पार्ट बांट सकते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि इसी में हम लोग दूसरा डायरेक्शन जो देखते हैं वो है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो यानी हम जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनको अगेन हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। एक कैसे कि जिनका जो डायरेक्शन है वो उनकी ओरिजिन तो हो रहा है, वो निकल तो दोस्तों रही है प्रायद्वीपीय पठार से, बट उनका डायरेक्शन जाने की दिशा उनकी डिफरेंट है। जैसे कि कुछ पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे जिनमें मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, मैं लगातार बताते आ रहा हूँ। जैसे कि पहले मैंने इसमें बताया आपको महानदी है, जैसे महानदी, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, वेगई, ब्रह्मणी, इस तरीके की कई नदियां हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने मेन मेन आपको बता दिया पांच। जैसे इधर और कुछ नदियां जो है वो पश्चिम दिशा की आ रही, जैसे नर्मदा नदी, जिनका डायरेक्शन प्रायद्वीपीय पठार से होता है बट वो निकल जाती किधर की, पश्चिम की ओर और जाके अरब सागर में गिरती, नर्मदा नदी। फिर जैसे तापी है, जैसे साबरमती है, ठीक है, साबरमती नदी है, जैसे माही नदी है, और जैसे दोस्तों लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी, तो ये जो नदियां हैं, जैसे लूनी नदी है, ये जो नदियां हैं ये दोस्तों क्या होती है, ये पश्चिम दिशा की ओर निकलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये देखो ये पश्चिमी घाट से जैसे ये निकलती है, तो ये इसका पश्चिमी घाट का पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो जैसे यहाँ पे महानदी निकलती है ऐसे गिर जाती, गोदावरी है, इधर कृष्णा है, कावेरी है, फिर इधर वेगई, और इधर देखेंगे तो ऊपर यहाँ नर्मदा, तापी, फिर इधर देखिए आप देखेंगे गुजरात में साबरमती, इधर माही ऐसे करके आती, इधर से लूनी, इस तरीके से ये नदियाँ बहती। ठीक है, ये तो मैंने रफली आपको बताया। ठीक है, तो समझ गए, तो डायरेक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, उनको बांट के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल से बताया था, तो अब जो भी नए हैं उनको समझ में आ गया कि क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये मेरा समझाने का जो
तरीका है ये इसलिए रहता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा नया आया है क्लास में, अगर देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आ गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तब उसको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें उसको क्लियर हो गई होगी। और बाकी जो पुराने होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। ये रिवीजन का पर्पस ये भी रहता है दोस्तों कि इसके वजह से होता यह है कि जब आप बार बार एक ही चीज़ को देखते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज़ें छप जाती हैं, आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी होती। अब जैसे कि मैं, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हम लोग दोस्तों रेगुलर ये सारा डायग्राम बनाते हैं, ये दो रेगुलर चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इस चार्ट को बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि आप भी क्या हो, बस आंख मूंद के, अगर आप आंखें मूंदें और आप अगर नदियों के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपके बारे में ये चार्ट बन के आना चाहिए। और जब ये चार्ट आपके मन में सोचते ही बन के आने लगे तो समझ लीजिए आपको नदियों का डिवीजन आ गया, नदियों का पहला चरण आप लोग पार कर चुके हैं और अब दूसरे चरण की ओर, इनकी गहराई की ओर जाना है। हर चीज़ को पढ़ते समय आपको एक उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, तो जैसे आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में अगर आप जैसे कोई मान लीजिए कोई युद्ध पढ़ रहे हैं, तो मान लो पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं, तो पूछ सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कब हुआ, फिर आना चाहिए कहाँ हुआ, फिर आना चाहिए क्यों हुआ, फिर आना चाहिए किनके मध्य हुआ, फिर आना दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर ये हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखने होंगे। हालांकि युद्ध हमेशा नकारात्मक परिणाम लेकर आता है, मगर कभी कभी कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी जो समृद्धि की, अगर कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता टॉपिक में। इसी तरीके से नदियों का भी आपको ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो हमने दोस्तों लास्ट क्लास में, अगर हम बात करें आपको, मैंने आपको लास्ट क्लास में महानदी के बारे में पढ़ाया था, महानदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग इसका, यानी हम लोग पूरब दिशा की ओर बहने वाली नदियां कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग ने महानदी कर लिया है, और आज हम लोग गोदावरी नदी को शुरू करें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी दोस्त पहली बार अगर चैनल पर जुड़ा हो और उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। और क्लास पूरी देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मज़ा आया, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि आप जब ये क्लास करके जाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आप कुछ पढ़ कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग बहुत डिटेल से चीज़ें करते हैं। जो अभी तक जुड़े हैं उनसे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, वो बराबर मेरे से क्लासें कर रहे हैं तो उनको दोस्तों बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग शुरू करेंगे गोदावरी नदी, ठीक है। तो अब आपके क्लियर है दिमाग में कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे। चलिए, हर किसी का यहाँ ध्यान रखा जाता है, जो भी नया है पुराना है, क्योंकि उन जो नए जुड़ेंगे तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। रैंडमली ऐसे भी अगर चल रही क्लास तो उनको क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। बट आपसे ये भी जरूर मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं आपसे ये जरूर आशा रख सकता हूँ कि आप पिछली क्लासेस देखेंगे, जब भी अगर आप जुड़ेंगे तो फिर इसके बाद पिछली क्लासेस आपको देखती रहनी चाहिए, है ना, ताकि आपका पूरा ज्योग्राफी हो जाए। 38 या 39 क्लास हो गई है एटलीस्ट इससे पहले, आज यह 39वीं या 40वीं क्लास ऐसे समथिंग करके है, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है। हम एक पूरा नदी तंत्र बात करते हैं, हमने इसको इतना डिटेल से कराने की कसम खा रखी है ज्योग्राफी को, गोदावरी नदी तंत्र की, आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको कहीं और से ना करना पड़े, इस चीज़ का मुझे ध्यान है रखकर मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है। गोदावरी नदी तंत्र, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये गोदावरी नदी है जो वो निकलती कहाँ से है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम गोदावरी नदी का डायरेक्शन देखें तो मैं आपको एक डायरेक्शन बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये मान लो ये ओरिजिन पॉइंट, और ये इस तरीके से होती हुई दोस्तों, इस तरीके से होती हुई ये यहाँ पर जाके बंगाली खाड़ी में कहाँ गिर जाती है दोस्तों, ये तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये पूर्व दिशा की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, ठीक है सबसे। और फिर हम ये बात करेंगे कि अब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये आखिर कहाँ से निकलती है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नासिक जिला है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास एक पहाड़ी है छोटी सी, जिसका नाम है त्र्यंब मैं नाम लिख रहा हूँ इस पहाड़ी का, जो भी है उसका क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कहाँ है ये, तो नासिक जिला,
नासिक जिला। अब नासिक से आप समझ जाएंगे महाराष्ट्र। अभी मैं इसको पॉइंट में लिखाऊंगा, बट मैंने अभी इसको आपको समझाया है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पर में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, वहां से ये निकलती है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो भी दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं उनका आपको ओरिजिन पॉइंट याद रखना है, क्योंकि मिलाने में क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक तरफ दिया होगा ओरिजिन पॉइंट और दूसरी तरफ दिया होगा नदियां, तो आपको सही बताना होगा इनमें से इनका मिलान सही कौन कौन सा है, या मिलाने को दे सकता है, या आपसे पूछेगा कि मान लो दो का जो ओरिजिन पॉइंट और दो नदियां सही मिलान दिया होगा और दो का गलत दिया होगा, तो आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य है, ठीक है, याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको महानदी का बताया कि कहाँ से निकला है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिहावा माउंटेन से निकलती है, यानी सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है। और ये कहाँ से निकल रही है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकल रही है। और ये क्या करती है दोस्तों, महाराष्ट्र से होते हुए, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र से होते हुए ये क्या करती है दोस्तों, सबसे पहले तेलंगाना में निवेश करती है, यानी प्रवेश करती है तेलंगाना से होते हुए। और हल्का सा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये हल्का सा जैसे ये ऊपर तेलंगाना के ऊपर इस तरीके से उड़ीसा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये तेलंगाना का भी बॉर्डर इस तरीके से, तो ये नदी जो है आप देखेंगे तो ये तेलंगाना, ये जो उड़ीसा नदी के हल्का सा टच करके जाती है, हल्का सा। तो यानी अगर एक पॉइंट अगर आपसे कभी एग्जामिनर ये भी दे दे कि जो गोदावरी नदी है वो तेलंगाना एवं उड़ीसा के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो सत्य है। बहुत छोटी सी बनाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती है, बट बनाती है। आप जब मैप देखेंगे, जब आप एटलस देखेंगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना का जो क्षेत्र है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, वहीं पर आप पास में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये जो नदी है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती, यानी ये चार राज्यों से होकर गुजरती, ये चीज़ भी हमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन पॉइंट महाराष्ट्र तो है ही, फिर ये तेलंगाना में आती है, और तेलंगाना के पास, तेलंगाना और जहाँ पर उड़ीसा, जहाँ पे दोनों का बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये तेलंगाना और उड़ीसा के बॉर्डर के बीच से जाती है, यानी दोनों के बीच एक सीमा बनाती है जिसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदी जो है उड़ीसा एवं तेलंगाना के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, इस चीज़ को भी ध्यान आपको रखना है। ज़्यादा डीप में जब एग्जामिनर जाएगा, मान लो UPPCS में या UPSC में, जब अगर ज़्यादा डीप में नदियों के बारे में जाएगा तो आपको यहाँ तक लेकर जाएगा। तो मैंने ये भी चीज़ आपको बता दी, और ये पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा भी, बट अभी सीखने वाली बात है। आपके पास अगर एटलस होगा तो आप देखेंगे उसमें, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो ये हो गई इधर, तो ये क्या करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा को टच करती हुई और आंध्र प्रदेश से जाकर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती, ये बात आ गई। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ वो गॉर्ज बनाती हैं, वो गॉर्ज बनाती है। अब गॉर्ज क्या होता है वो मैंने बताया आपको, वो क्या करती है दोस्तों, गॉर्ज बनाती हैं। तो गॉर्ज बनाती हैं, इसी तरीके से जितनी भी दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहने वाली, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दक्षिण भारत की पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने पॉइंट में लिखा नहीं रहा कि ये नदियां हर, अब मुझे हर नदी में डेल्टा का निर्माण कराती है, ये मैंने लिखाना पड़ेगा, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी दक्षिण भारत की पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, या प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती, वो चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, और चाहे वेगई हो, इस चीज़ का, छोटे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हिमालय की नदियाँ क्या करती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, घाटियाँ बनाती हैं, इस तरीके से जो, इसी तरीके से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट, तो ठीक। तो ये हमने बात करी इनका डायरेक्शन जाने का, और ये सारी चीज़ें क्या कैसे राज्य से जा रही, ये चीज़ समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए अब हम इसकी सहायक नदियाँ बनवाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएँ तट की सहायक नदियाँ बनाएंगे। जैसे कैसे बाएँ और दाएँ तट देखते हैं, तो दोस्तों जिधर से नदी निकल रही आप उधर, जिधर की ओर नदी चल रही आप उधर ही की ओर आप भी चलना शुरू कर दीजिए। जो आपका बायां होगा वही नदी के तट का बायां होगा, वही नदी का बायां तट होगा, और जो आपका दायां होगा वही नदी के तट का दायां होगा, ठीक है। तो आपको समझें, तो ये नदी का बायां तट है और ये नदी का दायां तट है। आपसे हमेशा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस, कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां, चार पांच नदियां दी होंगी, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां गोदावरी नदी की बाएं तट की सहायक नदियां, और आपको सारी गोदावरी की ही दी होगी, कुछ बाएं तट की दी होगी, कुछ दाएं तट की, तो आपको खोज के निकालना होगा कौन सी बाएं तट की है, कौन सी दाएं तट की। ये सारी चीज़ें कब पूछेगा, जब जब एग्जामिनर थोड़ा
डीप में जाएगा, थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन करेगा तब आपको सी पूछेगा, अदरवाइज इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछे। यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में चांसेस ज़्यादा हैं कि अब जो एग्जामिनर जो नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाएंगे वो हमको लगता है ऐसे ही बनाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा गेस वर्क हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ पैटर्न पिछली कई सालों से, तो नदियों के प्रति उनका क्या है कि वो हर साल नदियों से जो क्वेश्चन पूछ रहे थोड़ा टफ करते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहेंगे पहले से, मैं ये बता रहा हूँ। अगर क्या है कि कोई भी आयोग अगर वो डाल डाल चल देगा तो आपको मैं इस लायक ज्योग्राफी में बनाऊंगा कि आप पाथ पाथ चलेंगे, यानी आप उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। पूछिए कहाँ से पूछेंगे आप, वहाँ से पूछेंगे, हम पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए हम बात करते हैं अब इनकी सहायक नदी। तो ये बाएं तट की सहायक नदी, तो बाएं तट की सहायक नदी में इसके सबसे पहले जो नदी है वो है दुधना। क्या नाम है? दुधना। दुधना, ठीक है, दुधना नाम है। ठीक है, फिर दूसरी इसकी जो और दूसरी सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा। पूर्णा, ठीक है, पूर्णा ना ऐसे भी बना सकते हैं और ना ऐसे भी लिखा होता किसी किसी बुक में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो दुधना, पूर्णा, फिर दोस्तों आपको मैं बताऊं, मैं एक रेड कलर का यूज करता हूं, मुझे थोड़ा सा कुछ, हाँ, फिर इधर क्या होता है, यहां पे तीन नदियां आके मिलती हैं, इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पेन गंगा। क्या नाम है दोस्तों? तो पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा। दूसरी यहां से एक नदी आके मिलती जिसका नाम है वर्धा। क्या नाम है? वर्धा। तीसरी इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है वेन गंगा, वेन गंगा। अब मैं यहां पर आपको एक चीज से सतेज कर देता हूं कि जैसे आप जब कृष्णा नदी पढ़ेंगे तब वहां पर आपको दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा का नाम आपको मिलेगा। तो याद रखना पेन और वेन, वा और पा वाली जो नदी सहायक जो नदियां हैं वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और दूध गंगा, ठीक है, वो किसकी सहायक नदी है, तो वो आपको याद रखना है कृष्णा नदी की। तो दूध गंगा जैसी, और वेन और पेन जो है दो नदी, ये आपको याद रखना, वेन और पेन, ठीक है। जब ये तीनों नदियां संयुक्त रूप से मिल जाती है तो फिर इधर से एक नदी बनती है, इन तीनों की संयुक्त धारा एक से एक नदी बनती है, उसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता, ठीक है, तो ये प्राणहिता हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद फिर मैं और बताऊं, अभी आ गया आपको, यहां पर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती, ठीक है, और इंद्रावती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नारंगी। क्या नाम है दोस्तों? नारंगी, नारंगी, ठीक है, नारंगी, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोदावरी की सहायक नदी नारंगी है, तो सत्य है क्योंकि वो उसकी इंद्रावती सहायक नदी, तो इंद्रावती की जो सहायक नदी होगी वो गोदावरी की भी सहायक नदी होगी। ठीक है, तो इंद्रावती। फिर इसके बाद जो मैं नदी बना रहा हूं उसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे जैसे मैं लिखूंगा। इसके बाद जो अगली नदी है सबरी, 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 ठीक है, सबरी। सबरी के बाद है सिलेरू, बेलामाली और सिलेरू, ठीक है, सबरी के बाद है बेलामाली और सिलेरू, ठीक है, बेलामाली। इसकी सहायक नदी है, जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है बेलामाली, ये हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में बेलामाली, और एक का नाम है सिलेरू, सिलेरू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आपको लिख लेना है। ठीक है, मैं देखूं आपको सब कुछ सही दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताई बाएं तट की सहायक नदियां, जैसे कि मैंने आपको पहली बताई दुधना, फिर पूर्णा, फिर दूसरी मैंने बताई कि पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा। जब ये तीनों धारा नदियां आकर मिल जाती हैं आपस में तब यहां पर एक नदी का निर्माण होता है, जिसकी संयुक्त, जब तीनों नदियां मिल जाती तब तीनों नदियों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और उसको क्या बोलते हैं? उसको प्राणहिता बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और सहायक नदी इंद्रावती, तो ये इंपॉर्टेंट नदी है इंद्रावती, किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की। ठीक है, फिर इसके बाद नारंगी इंद्रावती की सहायक नदी है, और इसके बाद साबरी, सबरी, सबरी, ठीक है, और सबरी में दो सहायक नदियां आके मिलती है, तो बेलामाली और दूसरा सिलेरू, सिलेरू यू है ये, ठीक है, सिलेरू ये यू है, ठीक है, सिलेरू।
तो बेलामाली और सिलेर, तो ये बाएं तट की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, और एज इट इज ऐसा ही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नदी इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां पे होता है एक नदी का नाम है प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। दूसरा नदी का नाम है दोस्तों मूला, ये दाहिने तट की बता रहे हैं। फिर इसके बाद मंजरा, मंजरा, ठीक है, प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर। क्या नाम है इसके बाद? इसके बाद फिर एक और नदी है मानेर, मानेर। फिर इसके बाद एक और नदी का नाम है जिसका नाम है किन्नर सानी, उसको इंग्लिश में लिखेंगे किन्नर, किन्नर सानी, क्योंकि मैं इंग्लिश में इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये नाम सही रहते हैं, किन्नर सानी, ठीक है। जो हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको इंग्लिश में जल्दी से ये लिख लेंगे आप, किन्नर सानी। आप इंग्लिश में, हिंदी में आप सेंटेंस में सा वो वाला बना देंगे, कहीं वो वाला, तो गलत हो सकता है, तो इसलिए। तो दाहिने तट की कौन कौन सी सहायक नदी बताई मैंने? प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर, किन्नर सानी। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर, किन्नर सानी, ये अंक की बिंदी, मंजरा, मानेर, किन्नर सानी, ठीक है। और बाएं तट की कौन कौन सी? दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, इसके बाद प्राणिता बन गई है, फिर इंद्रावती, नारंगी, सबरी, बेलामाली, सिलेरू। तो ये क्या है दोस्तों? ये गोदावरी नदी एवं उसकी सहायक नदियां। तो यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलिए हम इसको मिटालते हैं, मिटा लें, आगे हम लिखेंगे इसके बारे में कुछ, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, ये हो गई इसके बाएं तट की, दाएं तट की सहायक नदी। अब आपको इसके लिए पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये अलग से नहीं लिखनी पड़ेगी कि ये बाएं तट की कौन सी सहायक नदी, दाएं तट की, ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और दूसरा काम आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक बार मैं रिवीजन कराता हूं क्योंकि ये थोड़ा टफ होती है। तो देखो मैंने बताया गोदावरी नदी निकलती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकल गई गोदावरी और जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ, इधर आगे बात करेंगे दुधना, इधर बात करेंगे पूर्णा, इधर बात करेंगे पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, नारंगी, सबरी, बेलामाली, सिलेरू। हो गई बात, लिखने की जरूरत तो है नहीं, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और ये क्या बोलते हैं, नारंगी और सबरी, बेलामाली, सिलेरू, ये तो बाएं तट की, दाएं तट की है ना, प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर, किन्नरसानी। हो गई, रिवीजन हो गया। आप इसी तरीके से बना बना के दो तीन बार रफ पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिख के। तो ये बात हो गई, चलिए अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। अब जो हाँ डायग्राम बना लिया उसी के जस्ट नीचे, और एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी नदी तंत्र मैं ये पढ़ा रहा हूं ये वाली, इनको अलग से एक पेज में बनाइएगा, एक पेज इनके लिए अलग से रखिए, पहले ऊपर ऊपर हेडिंग डालिए बीच में ये, फिर डायग्राम बनाइए, फिर पॉइंट लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, फिर दूसरे दिन दूसरी नदी जब मैं पढ़ाऊंगा जब, तो वो अगले पेज में रहेगी, ठीक है। यह नदी, ठीक है, महाराष्ट्र के, लिखेंगे मेरे साथ साथ, महाराष्ट्र के नासिक जिले, नासिक जिले, नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर, क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर से निकलकर, से निकलकर तेलंगाना, मैं राज्यों का नाम भी लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में जोड़ के, तेलंगाना, उड़ीसा, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश
में प्रवाहित होने के पश्चात में प्रवाहित होने के पश्चात होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में, एक ही पॉइंट में सारा समेट दिया, की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो मैंने देखो ओरिजिन पॉइंट किन किन राज्यों से होकर जाती ये लिखा दिया उसी में, और फिर कि कहाँ जाके खाली होती, कहाँ जाके गिरती है ये भी लिखा दिया। तो ये एक लिखने का तरीका होता है कि एक ही चीज़ में, एक ही लाइन में मैंने एक ही पॉइंट में तीन चीज़ें समेट दी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलकर तेलंगाना, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने के पश्चात बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो एकदम सटीक पॉइंट है और तीनों चीज एक ही में समेट दिया। किन किन राज्यों से होकर जा रही है ये भी देख लिया, कहाँ गिर रही है ये भी देख लिया, कहाँ से निकल रही है ये भी देख लिया। ठीक है, फिर देखेंगे यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी, ये याद रखने की। ठीक है, प्रायद्वीप, कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यही गोदावरी। तो लिखेंगे यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, तीसरा पॉइंट। ठीक, तो ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी, और पूछा जाए कभी भी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको हमेशा याद रखना गंगा। अगर प्रायद्वीपीय पठार की सभी भी कभी पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गोदावरी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है, हाँ अपने विशाल आकार, ऐसे लिखेंगे अपने विशाल, एक पॉइंट लिखना है इसको, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है ना, अपने विशाल आकार आकार एवं विस्तार के कारण, विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा दोनों एक ही नाम है, ठीक है, इसी का नाम है दक्षिण की गंगा, लिख लो, या वृद्ध, ये पूछा नहीं गया है कभी भी इस तरीके से पूछते कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो इसी को, गोदावरी को, या वृद्ध गंगा। ये सारी चीजें किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैं एक बता रहा हूँ किसी एक बुक में। ठीक है, अपने विशाल आकार में विस्तार कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो यानी ये बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत बड़ी है, इसी वजह इसको दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मैंने इसके राज्य तो निकला दिखाई लिखा दिए किन किन राज्यों से होकर जाती है ना, तो आपको याद है महाराष्ट्र निकल रही है, तेलंगाना, उड़ीसा से होती हुई आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद, यानी चार राज्यों से होकर मुझे, तो राज्य लिखाने की जरूरत तो है नहीं। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया है कि यहाँ एक लास्ट, इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यह तेलंगाना, यह नदी, ऐसे लिखेंगे, यह नदी तेलंगाना एवं उड़ीसा के बीच, उड़ीसा के बीच अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, अंतर राज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बनाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे देख लीजिएगा, इसके बारे में ये पॉइंट की कोई नहीं लिखाते मिलेगा। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं ना, जो एटलस पे जिनकी कमांड होगी, जिनकी मैप पे कमांड होगी ना, वही सारी चीजें जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं तो लोग देखते नहीं है, लोग क्या करते हैं बुक्स उठाते हैं, बुक से नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना के दे देते हैं, बट मेरा काम ऐसा नहीं, मैं ज्योग्राफी को ज़्यादातर तैयार करता हूँ वो एटलस से तैयार करता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं वो एटलस बेस आते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, पीटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं
वो हमेशा याद रखिएगा, वो क्वेश्चन डायग्राम या एटलस बेस होते हैं, तो आपको एटलस पे कमांड करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एटलस को छाट छाट के, खंगाल खंगाल के आपको परोस रहा हूँ यहाँ पे। बस आपका ईमानदारी से काम यही है कि आप ईमानदारी से इसको रिवीजन करिए, डायग्राम बनाइए, एस्टेटिक्स जैसा मैं बनाता हूँ आपको वैसा बनाते चलना है, एक एक पॉइंट साथ में लिखते चलना है और कई बार रिवीजन करना है। और दूसरा सबसे अच्छा काम, मतलब मेरे लिए सपोर्ट करते रहेंगे, कि वीडियो को दोस्तों शेयर करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों जो भी जानने वाले हैं, पढ़ने वाले जो भी ग्रुप्स आपके हैं उनमें शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग जानें किस तरीके से पढ़ाई होती है। मैं वास्तव में दोस्तों क्या है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रियल में क्या चाहिए बच्चों को, क्योंकि वही नीड है और उसी अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं उसी चीज़ से गुजर कर आया हूँ, मैं वास्तव में मैंने बहुत खुद सेल्फ से मेहनत की है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मैं जैसे कि शुरुआत में आते हैं तो वो भटकते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है। मान लिया उन्होंने UPPCS या कोई भी स्टेट PCS की तैयारी करना उन्होंने शुरू की, बट उनको सिलेबस ही नहीं पता है, उनको क्या किस तरीके क्वेश्चन आते यही नहीं पता, तो वो सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़े, इसके लिए मैं जो सब्जेक्ट कराता हूँ वो पूरी ईमानदारी के साथ। और आपको मैं बता दूँ, जो आप अगर मेरे एक बार क्लास कर लेंगे, तो आप जब UPPCS हो या BPCS हो या UPSC के जो पेपर हो, आप उनको उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, जो मेंस के टॉपिक हैं वहाँ जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो अभी PT के क्वेश्चन है आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप क्लास करा लूँ, आप खुद चेक करिए ना, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको पढ़िए ध्यान से, और देखिए क्वेश्चन यहाँ से जितने टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, एक एक टॉपिक मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, मैं अभी इसका कर लीजिए आप मुझसे, फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ जो खुद से मैं बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं जो PYQ बना रहा हूँ, नहीं PYQ वाले नहीं, मैं खुद से ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ जो आने की संभावना होगी या एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं उनको खुद से बना रहा हूँ और मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा जब ये सारा कुछ खत्म होगा। हर टॉपिक वाइज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। PYQ नहीं बना रहा हूँ, PYQ से हट कर, क्योंकि PYQ तो आपके पास कोई, अगर आप अनसॉल्व खरीदेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको वो मिल जाएगा, बट अलग से जो क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर बस बने रहें, लगे रहें मेरे साथ, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, लोगों को वीडियो शेयर करते रहें, और दोस्तों अपने जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बाकी मैं आपसे निश्चिंत होकर ज्योग्राफी मेरे से पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे को गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। अब आपका काम है, जैसे कि आपने पढ़ लिया ये, तो बस आपको करना क्या है, अब घर पे सोने से पहले एक बार आपको ये डायग्राम बनाकर 2-3 बार पहले तो देख लेना है, ये जो मैंने बनवाया है, फिर इसके बाद और इसको रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन जब सोने से पहले आपका रिवीजन हो जाता है ना, तो आपका दोस्तों वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। तो ये रोज़ करो, और इसलिए मैं थोड़ा कम कराता हूँ, और क्योंकि क्लास डिटेल में होनी, हर चीज़ को समझाना रहता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा कम आपको करा रहा हूँ, ताकि आपका आराम से सिलेबस हो सके कंप्लीट, ठीक है। नहीं तो जल्दी जल्दी कराता तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ती मुझे, ठीक है, बट मुझे जल्दी नहीं है और आपको भी शायद हो सकता है जल्दी ना हो, तो आप आराम से दोस्त पढ़ते रहें, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी कल करेंगे। और हाँ, अपना दोस्तों जो कर्तव्य है वो निभाते रहिए, और वीडियो को भी शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, और फिर कल मिलेंगे, तब तक के अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।